अगर वाकई आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है तो क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? यानी यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिखा है, आई कांट स्टैंड दिस बॉय और दूसरा आई कांट अबाइड दिस बॉय। तो अगर वाकई आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है तो क्या आप इसका ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? चलिए मैं आपको देता हूँ 5 सेकेंड्स और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत। यहाँ आपका टाइम शुरू होता है। यहाँ आपका टाइम खत्म हुआ। आई कांट स्टैंड या आई कांट अबाइड, इन दोनों स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो मुझे कोई चीज जरा भी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा भी पसंद नहीं है, यानी जरा बराबर भी पसंद नहीं है। जैसे मुझे यह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे यह लड़का जरा भी पसंद नहीं है, मुझे यह लड़का थोड़ा भी पसंद नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट स्टैंड दिस बॉय। आप ये भी कह सकते हैं I can't abide this boy, यानी मुझे ये लड़का थोड़ा भी पसंद नहीं है, जरा भी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बेहूदी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, जरा भी पसंद नहीं है, थोड़ा भी पसंद नहीं है, यानी इतना भी पसंद नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I can't stand nonsense talks। आप ये भी कह सकते हैं I can't abide nonsense talks, यानी मुझे बेहूदी बातें थोड़ा भी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, जरा भी पसंद नहीं है। मुझे फर्जूल खर्ची जरा भी पसंद नहीं है, थोड़ा भी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I can't stand extravagance, यानी मुझे फर्जूल खर्ची थोड़ा भी पसंद नहीं है। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं I can't abide extravagance, यानी मुझे फर्जूल खर्ची थोड़ा भी पसंद नहीं है। मुझे नशा करना जरा भी पसंद नहीं है, थोड़ा भी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I can't stand smoking, यानी मुझे स्मोकिंग जरा भी पसंद नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं I can't abide smoking, यानी मुझे स्मोकिंग जरा भी पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारा मिजाज जरा भी पसंद नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I can't stand your nature या I can't abide your nature, यानी मुझे तुम्हारा नेचर जरा भी पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि एडवांस स्ट्रक्चर आपको शानदार तरीके से समझ में आया। ऐसे बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।